और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और सचिन पायलट के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि वो सिर्फ सटीक राजनीति करते हैं, वो सटीक बात कहते हैं, जात धर्म किसी चीज को लेकर किसी दल पर कोई निशाना नहीं साधते हैं। उनके बयानों को अगर आप उठाकर देख लीजिए तो बयानों में सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें होती हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, जनता की बातें होती हैं, जनता से जुड़े मसले होते हैं, जनता की मुश्किलें होती हैं। इतना बड़ा बवाल हुआ था राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, और उसके बाद जब वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई कांग्रेस, तो उसके बाद ये मसला फंसा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए सचिन अशोक गहलोत का गुस्सा मीडिया के सामने देखने को मिला। अशोक गहलोत कई बार इशारों में सचिन पायलट पर निशाना भी साध चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट की एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता है कि वो नकारात्मक कभी नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि कब कैसे क्या बात करनी है, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ लाख बातें कही जा रही हैं, उन्हें ये पता हो कि वो जिस मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं शायद वो जहनी तौर पर उन्हें ना पसंद कर रहे हो, लेकिन फिर भी देखे कि वो हमेशा उनका सम्मान करते रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं महात्मा गांधी जी का भी जिक्र करूंगी। महात्मा गांधी ने कहा था, गांधीगिरी जिसे कहते हैं, कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे गुस्सा होने की वजह से गुलाब का एक फूल दीजिए, अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। खैर, ये तो मसले जो थे महात्मा गांधी जी के, बहुत से लोग फॉलो करते हैं और बहुत से लोग नहीं फॉलो करते, क्योंकि आज वो जमाना नहीं रह गया कि आप एक किसी को थप्पड़ मारेंगे और दूसरा गाल कोई आपके आगे कर देगा। बहुत मुश्किल है अभी ऐसा होना, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो गांधी जी के इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। अब मैं सचिन पायलट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, और गांधी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि सचिन पायलट में कहीं ना कहीं यही छवि देखने को मिलती है क्योंकि उनके साथ लाख गलत होता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप मीडिया के सामने कभी किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं करते, ताकि उस पर बवंडर ना हो, ताकि छवि खराब ना हो, और साथ ही साथ जो है उनकी भी छवि खराब ना हो, और जिनके बारे में बोल रहे हैं उन नेता की भी छवि खराब ना हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन्होंने ये दिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर। वैभव गहलोत को भी इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में सचिन पायलट से जब पूछा भी गया तो सचिन पायलट ने बहुत आसानी से बहुत सकारात्मक तरीके से जवाब दिया कि वैभव गहलोत युवा हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान करेगी, मगर उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो वैभव गहलोत को भी इस बार टिकट दिला सके। मैं इसलिए इसमें सकारात्मकता ढूंढ रही हूँ क्योंकि सचिन पायलट एक मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार थे राजस्थान में, हालांकि अशोक गहलोत ने भी बहुत ज़्यादा पानी खून की तरह पसीना बहाया था वहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन जो सचिन पायलट ने किया वो शायद अशोक गहलोत ने नहीं किया, क्योंकि जब वहाँ पर अगर देखा जाए तो 2013 में जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद कांग्रेस को अप्रत्याशित जो एक असफलता थी वो मिली थी, अप्रत्याशित ही थी वो, क्योंकि उसको लगा था कि वो शायद कुछ अच्छी सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन वहाँ पर उसकी बहुत ही बुरी हार ही कहूँगी मैं कि हार हुई थी। तो ऐसे में जिस तरह से कि कांग्रेस जिस तरह से वहाँ पर उसके बाद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट को, उन्होंने जमीनी स्तर पर कांग्रेस को बहुत मजबूत किया, लेकिन अशोक गहलोत क्या थे, राजस्थान से सीधे केंद्र की राजनीति में आ गए, वो प्रभारी बन गए गुजरात के, उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का साथ दिया, कर्नाटक में साथ दिया, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में साथ दिया 2014 में, लेकिन राजस्थान में एक राज्य में केंद्रित होकर सचिन पायलट ने जिस तरह से काम किया उसकी बलबूते कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनने में कामयाब हुई। हालांकि जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी उस तरह से कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन हाँ फिर भी सचिन पायलट ने जीतोड़ मेहनत की। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री पद को लेकर बात आई तो दोनों ही नेताओं के बीच अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखने को मिला, लेकिन सचिन पायलट ने कभी मीडिया के सामने बातें डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन अशोक गहलोत का गुस्सा हमेशा ही देखने को मिला। अब ऐसे में सचिन पायलट की ये बड़ी बात है कि उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को अब चुनावी मैदान में उतारने के लिए वो कोशिशें तेज कर दी हैं। अशोक गहलोत तो कर रहे हैं क्योंकि वो पिता हैं और वो उनके बेटे हैं, लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट अगर देखा जाए वो दूसरा पक्ष आते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सियासत में हर किसी को पहले अपना फायदा नजर आता है फिर दूसरे का फायदा नजर आता है, और सचिन पायलट चाहते तो वो दिमाग लगा सकते हैं, चाहे तो वो नकारात्मक भी हो सकते हैं कि भाई अशोक गहलोत के बेटे आ रहे हैं राजस्थान में, तो हो सकता है वो उनकी काट लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद उनकी विरासत को उनके बेटे
ही आगे बढ़ाएंगे, बहुत सी बातें हैं। लेकिन देखिए सचिन पायलट की सकारात्मकता देखिए कि वो उस मुद्दे को, उस बातों को बिल्कुल भी नकारात्मक तरीके से नहीं ले रहे, उसमें सकारात्मक ही ढूंढ रहे हैं कि नहीं, वैभव गहलोत को आगे आना चाहिए, पार्टी का हित सोच रहे हैं कि अगर मैं युवा हूँ, एक और युवा जुड़ेगा तो पार्टी का भविष्य बनेगा, राजस्थान में कांग्रेस और अच्छे से काम करेगी, कार्यकर्ता अच्छे से काम करेंगे, जनता की मुश्किलों का हल होगा, कांग्रेस को एक और बेहतर युवा नेता मिल जाएगा, मतलब वो एक सकारात्मक सोच रहे हैं। लेकिन अगर सियासी मायने निकाले जाए तो कहीं ना कहीं वैभव गहलोत जो है आने वाले समय में उनकी काट भी साबित हो सकते हैं। देखिए सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको देखिए अखिलेश ने पिता मुलायम से गद्दी ले ली, कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल में जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही, डीएमके में देखिए अलग से हाल चल रहा है, तो कुल मिलाकर राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर कि अशोक गहलोत के बेटे को सचिन पायलट आगे बढ़ाने का उन्होंने कहीं ना कहीं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे बड़ी सकारात्मकता क्या होती है कि हमें पता है कि सामने वाला शायद आने वाले समय में हमारे लिए बुरा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये बातें हर किसी को सिखा सकती हैं जो कि सचिन पायलट इस वक्त कर रहे हैं। तो दर्शकों आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही होगी, आपसे फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात जिसमें छिपी होगी कुछ ना कुछ सकारात्मकता, हालांकि वो दिख रही होगी खबर नकारात्मक, लेकिन हम उसमें निकालेंगे कुछ ना कुछ सकारात्मक। नमस्कार।